रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड माय कलीग्स, आज 10 अप्रैल वर्ल्ड होम्योपैथिक डे और हमारे मास्टर डॉक्टर सैमुअल हनीमैन का बर्थडे। मैं डॉक्टर सैमुअल हनीमैन के चरणों में वंदन करता हूं और आप सबको आज 10 अप्रैल अपने मास्टर की जन्म जयंती पे ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे मित्र डॉक्टर तुषार भाई हमेशा बोलते थे कि हमारी जो प्रॉस्पेरिटी है वो होम्योपैथिक की वजह से ही है, और बात बिल्कुल सही है। अगर हम कोई जनरल प्रैक्टिस वगैरह करते तो एक एरिया में हमारा नाम होता है, बहुत बहुत तो एक शहर में हमारा नाम होता है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस न स्टेट या कंट्री तक सीमित है, लेकिन हम सब लोग बाहर के भी इतने ही पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज हर एक होम्योपैथ के पास कोई ना कोई एलोपैथ डॉक्टर्स या तो उसके फैमिली मेंबर्स हमारी ट्रीटमेंट लेते हैं। आज जो भी हमें नेम फेम पैसे जो भी मिला है वो होम्योपैथी की हिसाब से ही मिला है, जो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं मैं होम्योपैथ हूं उसका मुझे गर्व है। अब कुछ बातें हमें हनीमैन साहब की लाइफ में से लेना चाहिए। हमें पता है कि हनीमैन साहब जब एमडी एलोपैथिक प्रैक्टिस छोड़ के जब होम्योपैथी की ओर निकले और उन्होंने होम्योपैथी की खोज की, और जब उन्होंने लोगों को ये नए साइंस के बारे में बताया, नए प्रिंसिपल्स के बारे में बताया, तो लोगों ने इजीली एक्सेप्ट नहीं किया था उसको। उनका बहुत, आप बोलते हो कि काफ़ी विरोध हुआ था, लोगों ने उनके बारे में बहुत कुछ गलत गलत लिखा और उनको कई बार अपना शहर छोड़ के भी दूसरी शहर जाना पड़ रहा था। ऐसे ही एक माइग्रेशन में उनकी कैमल कार्ट को एक्सीडेंट हुआ और उसमें अपने एक साल के पहले सन को उसका डेथ हो गया, फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी और होम्योपैथी के जो प्रिंसिपल्स है वो लोगों को बताते रहे। और कब हुई पता है आपको होम्योपैथी का एक्सेप्टेंस कब हुआ? जब वहां स्कारलेट फीवर की बहुत बड़ी एपिडेमिक डिजीज हो गया था, कोई दवाई काम नहीं कर रही थी, तब डॉक्टर हनीमैन साहब ने बेलाडोना मेडिसिन दे के लोगों को ठीक किया। और दूसरी बात ये हुई कि वहाँ के बहुत इन्फ्लुएंस पर्सन थे कॉकलेम्बर करके, उनको मानसिक प्रॉब्लम हुआ, इंसेनिटी हुई, उसको भी हनीमैन साहब ने ट्रीट किया और वो अच्छे हो गए। और तब से ये दो इंसिडेंट्स के बाद लोगों ने होम्योपैथिक को वहाँ एक्सेप्ट किया। तो आज भी हमारे पास है, कोरोना के पीरियड में हमारे पास मौका है, एक चांस है कि हमारे साइंस की जो भी ये हिडन एनर्जी है, हमारी जो ताकत है हमारे साइंस के बारे में, हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ काम करके लोगों को होम्योपैथी के बारे में बताएं। ये हमें मौका है और इसको अवसर में बदलना है हमें। मेरी बात हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर भास्कर भट्ट से हो रही थी, मैंने उनको बोला कि साहब कोविड केस में हम इतना रिस्क लेते हैं, जब भी कोविड पेशेंट आते हैं हमारे पास हम इतना रिस्क लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, कितना हम पैसे उसमें से ले सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात की जो मैंने कभी नहीं सोची थी। उन्होंने बोला केतन इसमें पैसे की बात नहीं है, साइंस की बात है। अगर वो होम्योपैथी से ठीक हुआ तो वो होम्योपैथी का भक्त हो जाएगा। और सच में मुझे ये अपने रिस्पेक्टेड सर की बात बहुत अच्छी लगी कि हमें यही टाइम है, हमें लोगों के सामने लोगों के आगे अपना साइंस को प्रेजेंट करने का और
उसमें जो भी शक्तियां है वो लोगों को दिखाना। हम सब जानते हैं कि हनीमैन साहब बहुत स्ट्रगल से आगे आए हैं, उनके पास पढ़ाई के भी पैसे नहीं थे। तब उनके जो टीचर थे, मास्टर मुलर वगैरह जो भी टीचर रहे, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनकी फीस भी माफ कर दी। तो लोगों ने सपोर्ट किया इसलिए हनीमैन साहब हमें मिले, वरना वो शायद स्टडी छोड़ के कुछ अपने फादर के कहने पर कोई ग्रोसरी शॉप में काम करते होते या तो पोर्सलिन पेंटर बन जाते। तो यही बात हमें सोचनी है एज ए होम्योपैथ। मैं आज सोच रहा हूं कि आज जो भी बच्चे बाहर आ रहे हैं होम्योपैथी का स्टडी लेके, उसकी डिग्री लेके, आज हमारा फर्ज है कि उनको एक अच्छे होम्योपैथ बनाना। जरूरत हो तो हमें उनको नॉलेज देना है, सही राय देना है, उनकी शक्तियों को हमें देखना है और एक अच्छे होम्योपैथ बनाना है। तो ये दो बातें मैं डॉक्टर हनीमैन साहब की लाइफ से आज रिलेट करना चाहता हूं। हमें लास्ट में यही बोलना चाहता हूं कि हमें अपने साइंस के प्रति, अपने हनीमैन साहब के प्रति गर्व होना चाहिए। एक बात बताऊं मैं आपको कि एक डॉक्टर है कृतिक शाह, आनंद में प्रैक्टिस करते हैं, वो जहां भी लिखते हैं अपने बारे में, अपने फोटो के नीचे, अपने नाम के नीचे, तो हमेशा लिखते हैं कि प्राउड चाइल्ड ऑफ डॉक्टर सैमुअल हनीमैन। कितनी बड़ी बात है। तो हमें ये रिस्पेक्ट लाना है अपने साइंस के प्रति, अपने हनीमैन साहब के प्रति। उनकी लाइफ की बहुत सारी ऐसी बातें हैं, अगर वो हम पढ़ ले तो उन्होंने जैसे बोला मेरा जीवन व्यर्थ नहीं गया है, वैसे हमें भी करना है। एज ए होम्योपैथ हमें अपना जीवन व्यर्थ नहीं जाने देना है। और बहुत सारी बातें हैं हनीमैन साहब की, अगर ऐसी बातें कुछ आप जानना चाहते हो तो मेरी टॉक हुई है डॉक्टर हीना रावल जो AHMC के प्रिंसिपल है और ऑर्गेन उनके प्रोफेसर है, उनकी बात मैंने मेरे यूट्यूब वीडियो की चैनल में रखा है। आप ऐसी बहुत सारी बातें जो हमने जानी नहीं है डॉक्टर हनीमैन के साहब के बारे में नहीं जानते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हमें वहां से जानने मिलेगी। तो बस आज इतना ही, ढेर सारी शुभेच्छाओं और हनीमैन साहब को वंदन करते हुए, जय हनीमैन, जय होम्योपैथी।